अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि भाई अब हम घर मूव कर रहे हैं, तो कुछ सामान हमने साइड पे कर लिया है और कुछ रहता है। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमने साइड पे रख लिया है, अपना रूम जो पुराना वाला था, और फिर उसके बाद मैं अपना नया रूम भी आपको दिखाऊँगा। लेट्स गो। ये भाई बहुत ज़्यादा उदास हुए हैं कि भाई घर छोड़ के जा। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. तो ये जी हमारा पुराना कमरा था, ठीक है। ये सब ये मेरा, अच्छा जी, तो ये सब पुराना हमारा घर था, एक ये रूम, ये सब सामान हम जो पैक कर दिया, तो ये लेके जाएंगे। अच्छा ना, तो इसे दूर हो रहा हूँ हसनात का, मुझे नहीं पता। तो अब ये सब सामान चला जाएगा यहाँ से। तो अब मुझे यहाँ पर सारा सामान लेके जाना है, ठीक है, मूव करना है। तो लेट्स सी यू इन माय न्यू हाउस। ये रख दिया जी हमने सामान सर अपना, ज़्यादा नया लेते हैं कुछ इस गाड़ी में, कुछ ये भाई लेके जा रहे हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, कुछ सामान मैंने इस गाड़ी में रखी है जैसे पीछे देख ही रहे हैं आप, तो बाकी का सामान उस दूसरी गाड़ियों में अभी पूरा नहीं आया, तो आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं सारा सामान, तो शिफ्ट करेंगे फिर मैं आप लोगों को। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? शॉपिंग करने भाई। कहाँ पे जा रहे हैं फार साहब? ग्रोसरी के लिए आईकिया, केमार्ट, कोल्स, वुलवर्ट, शॉपिंग करने स्पर्शर, हर जगह, हर जगह इंडियन ग्रोसरी, रिजेक्ट शॉप, आज पूरा चलिए हम छाने पूरा बोबटी बोबट मौसम देखे भाई भाई। अच्छा जी भैया, हमने आने से पहले सोचा कि भाई नमाज पढ़ लें, तो अभी हमने नमाज पढ़ी है। ये भैया कच्ची में नमाज पढ़ने आया था। भाई ये हमने की है शॉपिंग आज, ये घर के लिए कुछ सामान है, ये फजूल खर्ची थोड़ी सी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा फजूल खर्ची है ये। इधर से ये कॉल से भी हमने, ये मॉल है जी, और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश और आने लगा मजा। चलो आ जाओ। अच्छा तो ये थोड़ी बहुत हमने सेटिंग कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ गंद वगैरह है जो सेट करना है, चीज़ें वगैरह साइड पर रखनी है, बट मोस्टली इट्स डन एंड आई कांट शो यू माय रूम राइट नाउ बिकॉज अभी वो काफ़ी ज़्यादा मेस है वहाँ पे। और ये बाकी हुए कमरे हैं, आई कांट शो दैट टू, सो मोस्ट ऑफ इट इज डन। सो उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा मेरा, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस के इतनी ज़्यादा चीज़ें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना और सब चीज़ें करना,
बहुत मुश्किल होता है ये सब। और जिस तरह की कंडीशन जा रही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, घर बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। ये तो हमारे अल्लाह का करम है, हमारे पे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोगों को घर मिल गया। तो उम्मीद है कि घर हमारे लिए बेहतर है। तो मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।